ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यह अनंत विस्तार में फैला हुआ है, जहां तक हमारी नजरें जा सकती हैं। यह रहस्यों से भरा है। हम ऊपर देखते हैं और अनगिनत सवाल पूछते हैं, क्या हम अकेले हैं, क्या कहीं और जीवन है। हम अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर नई खोज हमें और भी जिज्ञासु बनाती है। ये तारों, ग्रहों और गैलेक्सियों से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी एक नई कहानी कहती है। टेलीस्कोप्स हमें इन्हें देखने में मदद करते हैं। ये हमारी आंखें हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने देती हैं। ये बहुत बहुत दूर है, इतनी दूर कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। कल्पना करो एक रेत के कण की, वो है हमारा सूर्य, एक छोटा सा कण, लेकिन हमारे लिए जीवन का स्रोत। अब कल्पना करो एक समुद्र तट की, हर रेत का कण एक तारा है। कितनी विशालता है इस ब्रह्मांड में, वो है हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे, एक विशाल गैलेक्सी जिसमें अरबों तारे हैं। ब्रह्मांड में हमारी जैसी अरबों गैलेक्सियां हैं। अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है, लेकिन फिर भी यह रहस्यमय और आकर्षक है। लेकिन ये बोरिंग नहीं है, हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा है। ये अमेजिंग चीजों से भरा हुआ है। हर दिन वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं जो हमें चकित कर देती हैं। हम अभी भी उनके बारे में सीख रहे हैं। हर नई जानकारी हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं, वे बहुत चमकते हैं। हमारा सूर्य एक तारा है, यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। गैलेक्सियां तारों का एक विशाल समूह होती है, ये अलग अलग आकार और साइज की होती है। द मिल्की वे हमारी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। ब्लैक होल रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पास बहुत मजबूत ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं उनसे बच सकता। इंसान ने हमेशा अंतरिक्ष का सपना देखा है। 1969 में हम चांद पर उतरे। द अपोलो मिशन्स मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक घर है। अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स वहां रहते हैं और काम करते हैं। वे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वपूर्ण है, यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में जानने में मदद करता है। सेक्शन 4, द वॉयजर लेगेसी, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। ब्रह्मांड के लिए एक बोतल में संदेश। Imagine sending a message to the vast unknown cosmos, hoping it will be found someday. The Voyager spacecraft bahari solar system ki khoj kar rahe hain. They are our silent ambassadors, venturing into the great unknown. Ve prithvi se sandesh lekar jate hain, carrying golden records filled with sounds and images of life on Earth. Ye brahmand ko hamare tohfe hain, a gift to the universe, showcasing our desire to connect and share our story. Voyager 1 और 2 विशाल ग्रहों के पास से गुजरे हैं। They have flown past giant planets, revealing their secrets. उन्होंने amazing pictures भेजी हैं, stunning images that have expanded our understanding of the solar system. वे अभी भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। Even now, they continue their journey far beyond our solar system. ये missions हमें inspire करते हैं। These missions inspire us to dream bigger and reach further. ये हमें दिखाते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। They show us the incredible achievements possible through human ingenuity and perseverance. Section 5, Mars, एक सीमा बुला रही है, रोवर्स अग्रणी हैं। यह एक नई दुनिया है, एक ऐसा स्थान जो हमारे लिए अनजान है, लेकिन हमारे रोवर्स इसे जानने के लिए वहां हैं। मार्स एक लाल ग्रह है, इसकी सतह पर लाल चट्टाने और धूल हैं, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बनाती है। यह अंतरिक्ष में हमारा पड़ोसी है, हम इसे दूर से देखते हैं, लेकिन हमारे रोवर्स इसे करीब से देख रहे हैं। हमने इसे एक्सप्लोर करने के लिए रोवर्स भेजे हैं। ये रोवर्स हमारे लिए वहां की जानकारी जुटा रहे हैं। रोवर्स रोबोटिक जियोलॉजिस्ट्स की तरह हैं। वे चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें मार्स की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। वे मार्स पर घूमते हैं, कठिन और रगेड टेरेन को पार करते हुए वे हमें वहां की हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। वे चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन करते हैं। उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी से हमें मार्स के इतिहास और उसकी भूगर्भीय गतिविधियों के बारे में पता चलता है। वे पास्ट लाइफ के संकेतों की खोज करते हैं। क्या मार्स पर कभी जीवन था? यह एक बड़ा सवाल है, और हमारे रोवर्स इसका उत्तर खोजने में लगे हैं। हो सकता है कि किसी दिन इंसान मार्स पर चले, यह एक सपना है, लेकिन हमारे रोवर्स इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम है।
यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। मार्स पर मानव बस्ती की कल्पना करना रोमांचक है और यह हमारे रोवर्स की मेहनत का परिणाम होगा। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को उजागर करना। अंतरिक्ष अन्वेषण जारी है। हमारे पास नए टेलीस्कोप्स हैं। हम दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर मिशंस की योजना बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हम पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को खोजना चाहते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। हम अभी इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्ज्वल है।